क्या व्हाट्सएप भारत में सेवाएं बंद कर देगा? मेटा का स्वामित्व रखने वाली कंपनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था, लेकिन भारत में ये स्थिति क्यों बनने वाली है? व्हाट्सएप के भारत में कुल 400 मिलियन और दुनिया भर में लगभग 15 बिलियन उपयोगकर्ता हैं। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कुछ विशेष विशेषताएं हैं। भारत के मुताबिक कई बार सुरक्षा कारणों से इन मैसेजिंग ऐप्स के चैट डेटा को एक्सेस करना जरूरी होता है, लेकिन एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ यह संभव नहीं है। इसलिए कोर्ट ने इन सभी मैसेजिंग ऐप्स का एन्क्रिप्शन रद्द करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले पर व्हाट्सएप से राय मांगी। मेटा के स्वामित्व वाली कंपनी के वकीलों ने अदालत में विस्फोटक दावे किए। उन्होंने कहा, अगर किसी भी कारण से व्हाट्सएप को भारत में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बंद करना पड़ता है, तो कंपनी भारत से अपनी सेवा बंद करने के लिए मजबूर हो जाएगी और व्हाट्सएप भारत छोड़ देगा। कंपनी के मुताबिक टू वे सिक्योरिटी में कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग और चैट शामिल हैं। इसके अलावा भुगतान विकल्प भी पेश किए गए हैं। कंपनी अब सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है, इसलिए कंपनी इस सिक्योरिटी फीचर को बाहर नहीं कर सकती है। संगठन के मुताबिक दुनिया भर में कई लोग सुरक्षा उद्देश्यों के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। इस ऐप के भारत में कुल 400 मिलियन उपयोगकर्ता हैं और दुनिया भर में लगभग 15 बिलियन उपयोगकर्ता।